हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। हंडिया प्रयागराज ग्राम प्रधान और सफाई कर्मियों की लापरवाही से गाँव में गंदगी फैली है। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं गांव के प्रधान और सफाई कर्मी। नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रधान और सफाई कर्मी को नाली साफ करने के लिए अवगत कराया था। ग्रामीणों के कहने के बावजूद साफ सफाई नहीं करवाई गई। नाली न साफ होने से रोड के ऊपर से नाली का पानी बह रहा है। ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतें उठानी पड़ रही है। प्रधान और सफाई कर्मियों के ना सुनने के बाद ग्रामीण अपने बच्चों के साथ खुद नाली साफ करने पर मजबूर है। हड़िया तहसील के लाक्षाग्रह गांव का एक पूरा मामला है, जहां दबंग प्रधान और सफाई कर्मी कर रहे हैं अपनी मनमानी। मिला होता है अभी तक न तो कोई प्रधान इसने एक्शन लिया, न तो सफाई कर्मी, न तो मनरेगा के तहत कोई काम। मनरेगा में कम से कम 250 आदमी है, लेकिन कोई भी मनरेगा के तहत काम करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है यार, हमारी बात मत पूछिए। गांव के लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि मनरेगा के कम से कम 250 जॉब कार्ड बना है, लेकिन कोई आदमी सुनने वाला नहीं है। ग्राम सेवक भी गए हरजन बस्ती में, भैया मनरेगा, कोई कह रहा है कि हम नाली में साफ काम नहीं करेंगे, कोई कहता है कि हम उस पार्टी में काम नहीं करेंगे, उस तरफ का रामलीला है उसमें काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से आदमी कह कह कर बैठ जा रहा है। यहाँ 250 मनरेगा है, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम गांव गांव के बच्चों को पकड़ करके, रामलीला कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं पात्र हैं, इन लोगों को पकड़ करके हम नाली की सफाई कर रहे हैं। न तो स्वास्थ्य विभाग से कोई सफाई कर्मी आ रहा है, न तो मनरेगा के तहत। आप देख लीजिए, अब आप लोग देखिए, या सरकार को अवगत करिए, एसडीएम को करिए, डीएम को करिए। आपका परिचय? हमारा नाम विजय शंकर तिवारी है। हम प्रेम शंकर तिवारी बोल रहे हैं। गांव की स्वच्छता इतनी गंदगी का अंबार है, यहां तक कि वीडियो की शिकायत भी किया गया, लेकिन न तो सफाई कर्मी यहां आते हैं, कहते हैं हम पैसा दे देंगे, आप नहीं लगवा के करा लीजिए, कोई काम नहीं, न मनरेगा के आदमी काम करने आए। यहां इतनी गंदगी है कि डेंगू बुखार से लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ते में पानी लगा हुआ कहने पर भी कोई नहीं सुन रहा, अधिकारी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। क्या करें हम लोग, गांव के अपने आदमी, कमेटी के आदमी अपने से फलुआ झुगुआ लेकर सफाई कर रहे हैं, ये तो सरकार की विडंबना है। आपका परिचय? प्रेम शंकर तिवारी, लाक्षागृह।